मैं बीजिंग रेलवे स्टेशन में हूँ। और मेरी ट्रेन 667 प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे आने वाली है। मैकडोनल्ड्स, KFC, मैकडोनल्ड्स बहुत फेमस है यहाँ पे। कैफे, आई थिंक इट्स गुड टाइम टू हैव अ कैपुचिनो। And now we are departing from Beijing towards Zhengzhou. ज़्यादा कुछ था नहीं करने के लिए, बस स्टेशन के आसपास घूमा मैं और तकरीबन 2-2.5 घंटे का टाइम था, तो भूख लग रही थी तो मैकडोनल्ड्स पे खाया। एक दो सोवेनियर्स मिले अच्छे, जैसे एग्जैक्टली जैसे मैं चाह रहा था एग्जैक्टली वैसे मिले, तो थोड़ा महंगे मिले बट आई एम हैप्पी फॉर इट। तो लेट्स सी हाउ बीजिंग लुक्स व्हेन डिपार्टिंग, एंड आई थिंक आई गॉट द बेस्ट सीट राइट नाउ, क्योंकि जाते वक्त बीच के लाइन से फास्ट हाई स्पीड ट्रेन पास होंगे, तो आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कैप्चर दोस। तो पता नहीं वो टेबल क्या है, बहुत अच्छा वेदर था, ब्यूटीफुल था वेदर। ये अभी एक ट्रेन,请立即拔下用电器电源插头，并及时通知工作人员。本次列车为全列无烟列车，请勿在列车任何部位吸烟。吸烟不仅污染环境，也会触动烟雾报警器报警，引发紧急停车，危及公共安全。根据铁路安全管理条例规定，对违300 kmph, can barely see the tracks. मैं आपको पटरियों की अलाइनमेंट बताना चाह रहा हूँ। दिस लुक्स लाइक अ परफेक्ट स्ट्रेट लाइन। Dead perfect. Oh, this is really crazy. ऐसा दिख रहा है स्केल लेके बनाया ऐसा है।高音。
在该站下车的旅客，请携带好自己的行李物品，到列车运行前方车门等候下车。下车时，请注意列车与站台的间隙。请照顾好老人和小朋友，按先后顺序下车。Please do not put the paper towel and other articles into the wash basins, lavatory or the urinal. Thanks for your cooperation. Handan Dong Station. Right now, hello, 300 plus jare. Absolutely blazing speeds.
am hoping to catch and cross it. And yes, wow, that was it. That was a full-fledged 14 coach train. Oh my god. Just as I speak, train weighs how much? That was combined speed of more than 620 kilometers per hour, easily. Second train captured. This was at 60 FPS. बहुत खूबसूरत नज़ारा है सनसेट का. और ट्रेन 300 की स्पीड पे भाग रही है. मिनट का रिकॉर्ड कर सकता हूँ तो लेट मी ट्राई टू रिकॉर्ड द होल थिंग. किलोमीटर्स पर आवर स्पीड है राइट नाउ. तकरीबन 3 मिनट की दूरी पे एक ट्रेन 3-3.5 मिनट की दूरी यानी कि व्हेन यू आर ट्रैवलिंग 3-4 मिनट की दूरी पे एक ट्रेन दौड़ रही है. आई थिंक वी आर अप्रोचिंग अ स्टेशन बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप. डोंट एक्सपेक्ट मी टू रीड द नेम ऑफ द स्टेशन. क्यों अगर रुकी भी रही तो भी नहीं पढ़ सकता मैं वैसे तो. किलोमीटर की स्पीड में चलते हुए पढ़ना तो बहुत दूर की बात हो गई. लाइफ में पहली बार मैं इतनी देर तक इतनी ज़्यादा स्पीड पर बैठा हूँ. आज मैं सुबह 11 बजे से लेके रात के 8 बजे के बीच में विच इज़ 9 घंटे में मैं ऑलमोस्ट 1700 किलोमीटर्स कवर कर रहा हूँ विद ए ब्रेक ऑफ ऑलमोस्ट 3 आवर्स. सो विच इज़ इनक्रेडिबल.
seriously hats off ye log jo railways banaye and they have a network of more than 12,000 kilometers of high speed bullet train. मैं नॉर्मल ट्रेन की बात भी नहीं कर रहा हूँ. आई डोंट नो हाउ मेनी मोर किलोमीटर्स दे हैव फॉर द नॉर्मल रेलवेज बट दीज हाई स्पीड बुलेट ट्रेन रन फॉर ऑलमोस्ट 12,000 अप्रॉक्सीमेटली 13,000 किलोमीटर्स एंड आई गेस दे आर लिंग मोर ट्रैक्स फॉर मोर रूट्स. दिस इज नॉट एन ईजी जॉब बेसिकली. वाओ दिस इज इंजीनियरिंग अचीवमेंट आई वुड रादर से बिकॉज ये ट्रैक्स ये रूट एवरीथिंग इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी. सो बेसिकली दीज बुलेट ट्रेन्स आर नथिंग बट फरारीज एंड लैम्बोर्गिनीज ऑफ रेलवेज एंड टू हैव देम फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 12-13,000 किलोमीटर्स इज नॉट अ जोक. जापान विच कम्स सेकेंड after China, and although Japan has been using bullet trains from a very long time, China is a new player in this segment, but Japan has approximately 3,500 kilometers, whereas China, they have over 13,000 kilometers. So literally there is no competition by any other country in terms of high speed railways. After Japan, I guess it is Germany, I'm not sure, but basically it's Germany, Spain, Eurorail basically, and together even if you combine all of them, they're nowhere close to the length of Chinese. Not just the quantity, but I'm really surprised by the quality of the ride. The ride is flawless. You barely feel any vibrations or any noise, and it's beyond words. I could barely explain the experience. Till now I've been sitting for almost 6 hours in this train, but feels like I've been sitting for hardly an hour. Now the seats are very comfortable, the leg space is incredible, and what else, you don't get the feeling that you are traveling at such a speed unless and until you look at the speedometer or the speed indicator display, which is located just at the entrance of each coach, which constantly displays a speed of almost 300 plus. Once you start, then that's it. Even at speeds of over 300, you sometimes feel the train is still pulling away, still accelerating hard, and the maximum what I could see today was 311 kilometers per hour, which is by far the fastest I've ever been on ground. So I think the whole trip was worth the money, and there goes another one. I've enjoyed thoroughly being a rail fan or train fan, whatever you want to think. I have thoroughly enjoyed the whole experience. My only intention of visiting Beijing from Zhengzhou, which is almost 800 kilometers, or I guess 800, more than 800 kilometers, was only to experience this train. So yeah, that's it for this video. I think this is almost 5.5 minutes now, this video. Time for a second video. ये वीडियो हैदराबादी स्टाइल में पूरा आखिरी मज़ा आ गया आज. एक एक पैसा वसूल करके बराबर हो गया. ट्रेन जो है सो बहुत ही फर्स्ट क्लास है, वर्ल्ड क्लास बोल सकते हैं. कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई टक्कर ही नहीं है इन लोगों को देने वाला. ऐसे रेलवे बनाए अपने पास इंडिया में, मोदी आके जो है सो रेलवे बनाता हूँ, बुलेट ट्रेन डालता हूँ और आने
ये देखने के बाद यकीन हो गया कि अपने पास नहीं बना सकती ये चीज़, अपने लोगों के हिसाब से बनी हुई नहीं है। यहाँ पे ये ट्रेन के लेफ्ट में राइट में डेडिकेटेड पूरी फेंसिंग लगी हुई है, पूरा रास्ता मैं ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर गया, 800 किलोमीटर लगी हुई है। और ये रेलवे पूरे 12,000 किलोमीटर के लिए है और पूरे 12,000 किलोमीटर तक फेंस्ड है ये। और नीचे भी ट्रेन के जो क्या बोलते हैं उसको, लॉग्स आते या लेग्स क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं वो है नहीं, पूरा कंप्लीट सॉलिड कंक्रीट है ये नीचे जितना भी दिख रहे पटरियों के नीचे वो पूरी सॉलिड कंक्रीट है, उसके ऊपर पटरियाँ बिछे हुए हैं जो मजाक नहीं है। और ट्रेन आखिरी की राख स्मूथ है, ज़र्रा भी मालूम नहीं हो रहा क्या स्पीड जा रही है क्या कर रही है। मैं सोच रहा हूँ देख के 200-250 तक जा रही होंगी, मगर देखे तो क्या है सामने वो डिस्प्ले है स्पीड कितनी जा रही बताने का, 305-306 कंटिन्यूसली जा रहा स्टेशन और आकुन से की हाथा तो गए स्टेशन आने वाला है सामने। जब बाजू से बुलेट ट्रेन जाती दूसरी और एक क्रॉसिंग होती तो फिर ट्रेन का झटका महसूस होता, लेटर ऐसा हिले गया था दिखता आखिर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा अच्छा, बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के वजह से दो बुलेट ट्रेन में बैठने का मौका मिल गया अब तक, एक तो जापान की शिनकानसेन और चाइना की CRH। CRH बेसिकली बोले तो हाई स्पीड रेलवेज, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जब से मैं ये 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ इन्हें और 13 मिनट रिकॉर्ड करता हूँ बता रहा, अब फ़ोन में जगह खाली करना फिर और रिकॉर्डिंग करना बोले। और स्टेशन जब आता तो मेरे ख्याल से ब्रेक मारे मारे तक 10-15 किलोमीटर तो आराम से चली जाती ट्रेन, ब्रेक मार के 300 की स्पीड के ऊपर से रुके तक 10-15 किलोमीटर आराम से कवर कर लेती, मगर पिकअप उसे ज़्यादा भयंकर है, पिकअप जो है सो बहुत जल्दी ले लेती। और क्या है रास्ते में ऐसा कुछ ख़ास खूबसूरत है कि तो ऐसा लगता हो कुछ भी नहीं है, मगर हरियाली बहुत है तकरीबन पूरी जो है ग्रीनरी इन लोग के खेत है। आज जितनी खेती देखा मैं लाइफ में इतनी कभी नहीं देखा, पूरे तकरीबन 800 किलोमीटर तक के लोगों के पास फार्मिंग वगैरह करके वाकई है, लोग बहुत आगे हैं अपने से, अपन खाली बातों के गिरवा करके दिखा देने वाले लोगों में से। अब मैं ऑलमोस्ट 8:30 को पहुँचता हूँ, टाइम हो रहा 7:10 है, मैं ऑलमोस्ट 8:30 या 8:10 या 8:20 को कुछ पहुँचता हूँ जेंगलो, वहाँ उतर के टैक्सी लेके फिर एक आधे घंटे का रास्ता है तो तकरीबन 9 बजते आज मैं होटल तक रुक रही नहीं, रुकती से पूरी देखेंगे जब से ब्रेक मार के स्लो होते जा रही होते जा रही, वो अनाउंसमेंट शुरू हुई जब से स्लो करना शुरू करा है। नहीं है 20 के पहले से कर रहा था शायद, ये कौन सा कि बड़ा स्टेशन आ रहा है ये लो, और एक इस बार ज़रा अच्छा दिखेंगी क्योंकि वो तो हम लोग तकरीबन 70-80 की स्पीड पे होंगे और उन्हें फुल स्पीड पे गई तो इसलिए मालूम हुआ स्पीड और दिखी उन्हें सही से। आवाज़ सुन रहे इतनी कम आवाज़ है ट्रेन के अंदर, लिटरली पिन ड्रॉप साइलेंस बोलने वाली बात है। अभी दो जंग में आए हम लोग, अभी हेबी दोंग रेलवे स्टेशन, आई होप वी विल कैच अ क्रॉसिंग ऑन दिस स्टेशन hopefully।
because it's been a long time since I've seen another train passing by. At least 10 minutes have passed, so I'm hoping this time it will wait. Let me start another video. I'm stopping this one. No. Fortunately, I didn't start. I didn't stop this one. अगर स्टॉप करता तो मिस हो जाती थी ट्रेन में। मैं अभी ये बताना चाह रहा हूँ कि ट्रेन ये स्पीड में 304 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कितना वाइब्रेशन देती, कितना अनकंफर्टेबल है बैठना, ये वो बताना चाह रहा हूँ। ये देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने वाइब्रेशन होंगे ट्रेन में। वही इंडिया का था तो शीशा अब तक नीचे गिर भी गया था, यहाँ पे ठहर के इतना सा भी है और एक ट्रेन वो ख़त्म भी हो गई। तो स्टेशन पास हो रहा, समझ सको तो समझ लो क्या दिख रहा। तो हाँ, तो इतने बहुत से वाइब्रेशन से है ट्रेन में बस। Literally क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा मेरे को, इतनी अमेजिंग वो है। और ये मैं हूँ तेजा, मैं हूँ मार किधर है। तीन सौ की स्पीड पे भागते हुए, उड़ते हुए literally। बैक टू जंगजाओ एंड ऑन टाइम 8:24 बोले थे और एग्जैक्टली 8:24 को वापस आ गया मैं। सो अब चैलेंज है, यहाँ से चैलेंज नहीं है, अब यहाँ से टैक्सी लेना है और जाना है होटल। और ये रहा वो स्टेशन, सुबह मैं गलती करा, ये स्टेशन से आ जाना था, ये काफ़ी करीब था हालांकि होटल से, बट मेरे को नहीं मालूम ये स्टेशन से भी ट्रेन जाती, तो मैं दूसरा रेलवे स्टेशन चले गया। बट सम अच्छा ही था क्योंकि मैं वो रेलवे स्टेशन भी देख सका और ये भी वाला भी देख सका। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अमेजिंग अमेजिंग ट्रिप, मज़ा आया बहुत। सेकंड ट्रेन कैप्चर्ड, दिस वाज टू ए सुनिए।